टेंथ के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आज का इंपोर्टेंट वीडियो कभी मिस मत करना भाई सब कुछ मिस कर देना लेकिन ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो में बताने वाला हूं कि सीबीएसई जो न्यूमेरिकल पूछती है फिजिक्स सेक्शन से साइंस में वो किस प्रकार से आती है और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा पांच तरह का क्वेश्चन बताऊंगा और उसी तरह का क्वेश्चन आता है अगर इसका प्रैक्टिस करके चल गए तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी यानी पूरा क्वेश्चन आप करके आ सकते हो मजा आ जाएगा पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो भाई साहब एकदम मस्ती में ये वीडियो देखिए और फाड़ के रख दीजिए क्योंकि सीबीएसई का क्वेश्चन जो है ना उसका हम लोग इस तरह से कचरा कर देंगे हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं सीबीएसई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है तो हम भी बहुत अच्छा से पढ़ेंगे ना एक एक चीज पर ध्यान देंगे हम बढ़िया से आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन रहा मैं पहले यहां पे देख लेता हूं ठीक है मैंने WhatsApp सेक्शन में यह डाला हुआ है या आइए अपने टॉपिक पे हम वापिस आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2020 में लगभग पूछा गया हाँ, 2020 में और इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछती है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है मैं ये बात बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है अपने खोपड़ी में यह बात घुसा लीजिए जी हाँ तो चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट द लेंथ इज 2l और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है इसका ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा a2 a 2 शायद है या 3a 2 या 2a या 3a देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन है यानी अब इसमें चार ऑप्शन है आपको पता नहीं है आइए ना भाई क्यों टेंशन लेते हैं लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करके जाइएगा बता रहा हूं भाई तीन चार तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है और सीबीएसई को दिखा देना है कि भाई कुछ और लेवल का क्वेश्चन बना लो भाई इतना कम लेवल में मेरे को मजा नहीं आ रहा है ना हाँ फिर जैसे आप क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर दोगे तो सीबीएसई वाला जो होगा ना उसको आप दिखा के कहोगे मजा नहीं आ रहा है मोदी जी के स्टाइल में है ना तो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग को पढ़ना है कि पूरा हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आना चाहिए देखिए भाई यहां पे क्या क्या दे रखा है वो मैं बताता हूं एक कंडक्टर है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है भैया इस तरह से कंडक्टर है हाँ सर कंडक्टर है इसका लेंथ एल मान के रखा हुआ है बहुत बढ़िया सर एल माना हुआ है ठीक है उसके बाद इसका जो एरिया है ना वो इसका एरिया एरिया बोले तो मोटाई एक तरह से एरिया जो है वो दिया हुआ है सॉरी इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है ए ठीक है तो मैं क्या करता हूं इसका मैं मान लेता हूं जैसे यहां पर ये कंडक्टर है ना ये कंडक्टर का लेंथ जो है वो एल uh, वन ये जो कंडक्टर है इसको एल वन मान लेते हैं इसके लेंथ को और उसका जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है एक और कंडक्टर लिया है मान लीजिए मानना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एक और कंडक्टर दिया हुआ है ठीक है और वो जो कंडक्टर है ना उसका लेंथ जो है वो दे रखा है टूएल्व एक और कंडक्टर सेम मेटेरियल का लिया गया है और उसका लेंथ टूएल दिया गया है तो मैं लिखूंगा सेकेंड वाले कंडक्टर का जो लेंथ है वो टूएलव है बहुत ही बढ़िया अब देखिए पहले वाला जो कंडक्टर है ठीक है उसका जो एरिया है उसकी जो मोटाई है वो दे रखी है कितनी A. तो मैं लिखूंगा पहले वाले कंडक्टर का जो एरिया है वो हो जाएगा A. दे रखा है 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 और तो पूछ रहा रहा सेकंड वाला जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, उसको ए टू मान रखा है और उसका बताना है कि एरिया कितना होगा यही क्वेश्चन में गिवन है चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चार ऑप्शन दिया गया है और भैया इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है भाई आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या जानते हैं रो एरिया ठीक है है ना रो हम लोग को पता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ना अगर इसको इधर कर दे ऊपर तो ये, ये नीचे चला जाता है यहां तक कोई समस्या है आपको तो बता दीजिए और हां एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि इस वाले इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है और इस वाले वायर का भी रेजिस्टेंस आर ही है यानी दोनों में कॉमन क्या है रेजिस्टेंस दोनों में सेम है भाई रेजिस्टेंस एकदम सेम है अब बताना है कि इसमें एरिया क्या होगा ये अननोन एरिया जो दिया हुआ है एरिया आपको पता नहीं वो एरिया बताना है कितना होगा चलो भाई आर इज टू रो एल वाई एरिया होता है इस कंडीशन में लेकिन लेकिन अगर हम आर एड वाले की बात करें मतलब आर भी सेम दोनों में आर सेम है तुम्हें तो आर डेस नहीं लिखना पसंद करूंगा मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं आर इज कल टू रो एल एरिया जिस और सेकंड वाले के लिए हम लिखेंगे क्या आ, दोनों में आर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो आर दोनों में एक ही रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसके लिए रो लिखूंगा और एल क्या लिख दू मैं अच्छा यहां पर एल वन एल ऐसे नहीं लिखूंगा यहां पर एल वन और यहां पर ए वन लिख देता हूं यहां पर एल टू और ए टू लिख देता हूं काफी अच्छा रहेगा ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना क्योंकि इसके लिए लेंथ एल वन मान रखे तो हम उस तरह से लिख दिए और दोनों में आर सेम है इसीलिए ये दोनों जो है इक्वल होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इसके लिए भी आर है और इसके लिए भी आर है दोनों कंडक्टर के लिए रजिस्टेंस आर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं ऐसे लिख दिया ठीक है आइए अब सॉल्व करते हैं आर इजक्वल टू रो और एल वन के लिए यानी एल वन लेंथ जो पहला हमारा जो कंडक्टर है उसके लिए लेंथ क्या है एल ही है एल वन की वैल्यू एल है तो मैं डायरेक्ट एल डाल दूंगा ए वन की वैल्यू क्या है देख लो ए वन की वैल्यू ए है तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा भाई रो तो दोनों में सेम है रो दोनों में सेम है कोई बात नहीं है एल टू की वैल्यू क्या है टूवेल्व है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा टूवल्व ए टू की वैल्यू ही तो आपको फाइंड करनी है है ना इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है अब देखिए रो रो दोनों में सेम है तो मैं क्या करूंगा आर इजकल टू में लिखूंगा एल बाई ए इजकल टू टू एल बाई ए टू कोई समस्या नहीं तो यहां से क्या हो जाएगा आर तो हमको निकालना नहीं है मेरे को तो ए निकालना है है ना ए टू लिखना है आर तो मेरे को निकालना नहीं है तो क्या हो जाएगा एल बाई एजकल टू टू एल बाई ए टू कोई प्रॉब्लम यहां तक है ना स्टूडेंट्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर वैल्यूज डाल दो हो जाएगा काम अब देखो यहां से एल से एल जाएगा तेल लेने के लिए तो यहां पर ऊपर में क्या होगा कुछ नहीं ऊपर में वन बचेगा एंड नीचे में ए इजकल टू टू डिवाइडेड बाय ए टू एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूं तो नया जो एरिया होगा इसके लिए यानी ए टू जो होगा इसका एरिया वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा टू इन टू ए दैट इज ए टू इजकल टू टू ए यानी जो सेकेंड वाला का जो आपको कंडक्टर दिया है उसका एरिया क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा ठीक है कोई प्रॉब्लम ये क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई पूछ देता है अब जैसे सुनिए अब जैसे सुनिए मैं एक और बात बता दू एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया अब एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है सीबीएसई पहले इसको नोट करिए दूसरे तरह का का भी क्वेश्चन इसमें बता देता हूं इसी तरह के क्वेश्चन में दूसरे तरह का क्वेश्चन बता देता हूं है ना कि शायद इसमें मैं लिया हुआ हूं सॉरी सॉरी अगला जो क्वेश्चन है ना वो उसी तरह का है तो हम अगले क्वेश्चन में इसको बता देते हैं इसको नोट कर लीजिए नोट करिए भाई नोट करिए नोट करिए चलिए मिटा दू जिस जोश के साथ अभी आप मेरे साथ बने हुए हैं वो जोश लास्ट तक रहना चाहिए आप जोश ना कहीं और ही मतलब क्या ही बताए आपको <laughs> सर कैसी कैसी बातें करते हो गंदी गंदी अरे भाई अ गंदी गंदी कामें जो करते हो आप रात में उसका क्या वो तो बोलते नहीं हो सर इतना खोल के सर मत पढ़ाया कीजिए भाई मैं ऐसा ही हूं ऐसा ही पढ़ाता हूं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं चलिए अब ये भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको इधर दिख रहा होगा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से देखेंगे मजा ही आ जाएगा कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ वन मीटर ठीक है रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम और ये 2017 में पूछा है और भाई 2017 में नहीं ये क्वेश्चन बार बार आता है अब 2020 उठा के देख लीजिए 2021 उठा के देख लीजिए 2022 उठा के देख लीजिए हजार 2023 में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है लेकिन बार बार और 2024 में इस तरह का क्वेश्चन आएगा लिख लीजिए मुझसे लिखवा लीजिए मुझसे एकदम कंफर्म बता रहा हूं छपके आने वाले इसी तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस तो तीन चार क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लटकोगे है ना हाँ आओ देखते हैं

इस वायर की जो रेडियस है वो 0.01 सेंटीमीटर में दे रखी है हाँ बहुत ही अच्छा सर हाँ 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 और भी कुछ दे रखी नहीं सर अब कुछ नहीं दे रखी तो इस पर बताना है कि इसमें इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा इस वायर का इस वायर का रो क्या होगा ये बताना आपको ठीक है क्या क्या दे रखा है पता चल गया आर इतना दे रखा है यानी कैपिटल आर रेडियस इतना दे रखा है कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस 20 ओम लेंथ भैया वन मीटर उसके बाद रेजिस्टिविटी आपको निकालना है कैसे निकालोगे आओ दिखाता हूं अगर यहां पर आर दिया देखो भाई हमको क्या है ना पहले हमको देखो आपको अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टिविटी के लिए तो आर इज टू तो क्या होता है रो एल एरिया अब अगर अगर आपको क्या निकालना है आपको निकालना क्या है इसमें रो निकालना है तो रो को आप इधर करोगे तो आर इसके जगह पे आ जाएगा और एरिया ऊपर जाएगा और लेंथ नीचे आ जाएगा यही होता है ये ऊपर और ये नीचे हाँ सर यही होता है अगर आपको रो निकालना है यानी रेजिस्टिविटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आर निकालना पड़ेगा और एल निकालना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है देख लो आर दिया हुआ है एल दिया हुआ है ए नहीं दिया हुआ भैया एरिया नहीं दिया हुआ है क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है तो ये तो निकालना पड़ेगा ना क्योंकि जब तक अगर आप वन टू थ्री तीन वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक चौथा वैल्यू नहीं, नहीं निकल पाएगा तो भैया आपको क्या करना होगा इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी तो एरिया कैसे निकलेगा रेडियस दिया है पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा ठीक है तो एरिया क्या होगा एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो यहां से आप क्या करो पाई का वैल्यू आप डाल दो लेकिन उसके लिए हमको रेडियस को भी चेंज करना पड़ेगा तो आओ पहले इसको मिटाता हूं आपको दिखाता हूं रेडियस आर जीरो पॉइंट जीरो वन दे रखा है सेंटीमीटर में है तो मैं क्या करता हूं इसको ऐसे लिख दूं अगर सेंटीमीटर में इसको ऐसे लिख दून वन इन टू टेन टू डी पावर माइनस टू सेंटीमीटर ये भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो ऐसे लिख लो या जीरो पॉइंट जीरो वन लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों एक ही बात है हां सर अब सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा हमको मीटर में लाना पड़ेगा क्योंकि यहां मीटर में दे रखा है तो मीटर में लाना पड़ेगा तो आर क्या हो जाएगा भैया आर हो जाएगा वन इंटू टेन टू डी पावर माइनस फोर मीटर क्योंकि 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 मीटर के लिए टेन टू डी पावर माइनस टू और प्लस करना पड़ेगा मेरे को तो यह मीटर में आ गया ठीक है अब अब लगा दो एरिया एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर अभी आप निकाल के रखे हो यहां पे क्या वन इंटू टेन टू डी पावर माइनस फोर मीटर का स्क्वायर है ना भैया तो इसको काटोगे तो थ्री पॉइंट वन फोर आता है सभी लोग जानते ही है। क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा और देखो इसका इसका स्क्वायर करोगे मतलब चार दुनिया आठ हो जाएगा ट्वेंटी पावर माइनस एट मीटर का स्क्वायर कोई प्रॉब्लम भैया ये एरिया आ गया ये क्या आया ये एरिया आया है ठीक है भाई ठीक है चलिए एरिया आया अब फॉर्मूला लगा दीजिए आर इजकल टू रो एलवाई एरिया रो निकालना है रो को इधर पटक दीजिए क्या हो जाएगा आर उसके जगह पे एरिया ऊपर लेंथ नीचे तो रो बराबर आर अभी आपकी क्वेश्चन में गिवन है ट्वेंटी ओम ठीक है सर ट्वेंटी ओम एरिया अभी आप निकाल के रखे हो इतना ठीक है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू डी पावर माइनस एट मीटर का स्क्वायर बहुत ही बढ़िया सर लेंथ सर लेंथ तो यहाँ पर दे रखा है वन मीटर वन मीटर दे रखा है चलिए सर मीटर से मीटर को तेल लेने भेज दीजिए है ना अब देखिए अब क्या करोगे आप अब एक काम करिए ना सर आप क्या करूँ मैं बताओ तुम्ही तो यह पॉइंट को उड़ाइएगा तो सर टेन टू डी पावर मतलब सौ आ जाएगा ना सर हाँ सौ आ जाएगा कोई समस्या नहीं है ठीक है तो एक काम करिए ये दोनों में गुना कर दीजिए तो थ्री और ट्वेंटी में गुना करता हूं और जा क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं क्या करूं भाई सिक्स टू एट जीरो इंटू टेन टू डी पावर माइनस एट अब मैं क्या करूंगा ये, 10 दी पावर टू लिख सकते हैं ना हंड्रेड को लो भाई टू लिख दो या हंड्रेड लिख दो बात तो एक ही है अब इसको ऊपर भेजेंगे अब ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा होगा कि नहीं होगा बताइए होगा ये टेन टूटी पावर प्लस टू है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस में टू और यहां ओम है यहां ओम और यहां मीटर तो ओम मीटर हाँ सर ये बात तो सही है तो रो बराबर सिक्स टू एट जीरो इंटू में और इसका ऑप्शन भी दिया होगा आप क्वेश्चन में अरे भाई यहां पर क्वेश्चन था मैं यहां पर कर दिया भाई आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ठीक है अब देखिए टेन टू पार माइनस टेन हो जाएगा ओम मीटर अब देखिए भाई अब सुनो सिक्स टू एट जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो भाई इतना बेसिक से बता रहा हूं ना हर एक बच्चा समझ जाएगा जीरो में लगा सकता हूं पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है चलो इस पॉइंट को मैं वन टू थ्री पॉइंट आगे घसका देता हूं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा सर तो रो बराबर सिक्स पॉइंट टू एट है ना और इंटू में टेन टू डी पावर क्या होगा देखो भाई वन टू थ्री तीन डिजिट इधर लेके गए तो तीन डिजिट में हम क्या करेंगे प्लस थ्री कर देंगे और ये टेन टू डी पावर देखो पूरा तोड़ के बता रहा हूं ओम मीटर अब देखो ये दस है ये तीन है कितना होगा माइनस सेवन सिंपल है सर तो रो बराबर क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन टू डी पावर माइनस सेवन ओम मीटर बताओ देखो अब इसका भी कारण मैं बताता हूं ये आंसर आ गया होगा देख लो यहां पर है ना आंसर गया होगा कारण बता हूँ तो ऐसा हुआ क्या देखो जब भी डेसिमल को इधर लेके आते हैं ना तो हमको प्लस में जाना पड़ता है ठीक है जैसे एक डिजिट घसका है टू पावर प्लस करना पड़ेगा दो डिजिट घटा है टेन टू डी पावर प्लस टू करना पड़ेगा तीन डिजिट घसका है तो टेन टू डी पावर प्लस थ्री और अगर डेसिमल को इधर लेके जा रहा है इधर तो एक डि डिजिट लेके गए तो टेन टू डी पावर माइनस वन दो डिजिट ले गए टेन टू टी पावर माइनस टू तीन डिजिट ले गए टेन टू टी पावर माइनस थ्री

और भाई प्री बोर्ड के जो एग्जाम अभी तक बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है तो प्री बोर्ड वाले के लिए भी है और बोर्ड वालों के लिए भी है नोट करिए फटाफट एकदम चलिए आई होप नोट कर रहे होंगे मैं मारूंगा दो चार छीटा ताकि ये फचफचा के मिट जाए चलिए एकदम बहुत ही बढ़िया अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम आई होप आपको पूरा चीज समझ में आ रहा होगा जिस एनर्जी में मेरे साथ बने हुए हैं वो एनर्जी खत्म नहीं होना चाहिए मेरे का बच्चा बोर उखाड़ के फेंक दू चलो भाई तीसरा क्वेश्चन या, 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 तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ये भाई ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन लाइट चैप्टर लाइट में भी कौन लाइट चैप्टर बोले तो रिफ, रिफ्रैक्शन से आ गया है रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है ये क्या रहा क्वेश्चन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेंसेस ऑफ डायमंड एंड वाटर इज इज आर इंग्लिश का भी ध्यान रख ले 2.42 एंड 1.33 पॉइंटिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड अरे भैया क्या सिंपल क्वेश्चन सर पूछ रहे हो लेकिन भाई इस तरह का क्वेश्चन रहता है एक टाइप में बता रहा हूँ किस तरह का पूछेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, आई होप देख लेना आप। आपको रिफ्रेक्टिव इंडेंसेस, यानी डायमंड का कितना दे रखा है डायमंड का दे रखा है टू पॉइंट फोर टू बहुत ही अच्छा उसके बाद आपको दे रखा है वाटर का वाटर का कितना दे रखा है 1.33 तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको दिखाते हैं म्यू से से या एन आपकी आपके ऊपर डिपेंड है कुछ भी कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ़ वाटर बताना है आपको रिस्पेक्ट टू डायमंड डायमंड है डायमंड का जो दिया गया है ना चलो यही ना आप समझ लेना तो डब्ल्यू mu d बराबर क्या हो जाएगा डायमंड का कितना है ये देखो इतना है 2.42 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना है 1.33 अब इसको काटोगे तो कितना आएगा 1.80 आएगा तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड डायमंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1.80 ये आ गया आपका जवाब लिख लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन आता है नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि बताएगा उसमें दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का इतना है और उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके अंदर वो भी बता देगा मेंशन कर देगा तो बताएगा कि पूछेगा कि बताइए उसका आ, मतलब जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है या क्या करेगा या क्या करेगा आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है थ्री इंटू ट्वेंटी पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है और किसी और मीडियम का बता देगा कि उसमें लाइट की स्पीड इतनी होती है तो बताइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लीजिए इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है तो नोट कर लीजिए भाई नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं चलिए चलिए नोट करिए नोट करिए भाई चलिए नोट कर लिया है चलिए मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन चलिए भाई क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है भाई क्वेश्चन क्या है आ जाओ भाई क्यों परेशान कर रहा है भाई तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा यार अरे भाई क्वेश्चन यार क्यों परेशान कर रहा है ये मेरे को यार हाँ हाँ एक क्वेश्चन आ गया और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है ठीक है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है चौथा नंबर क्वेश्चन है और ये काफी इंपोर्टेंट और काफी लेंदी क्वेश्चन है इसको देखते हैं बढ़िया से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर कह रहा है <laughs> कितना है अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.5 दो हजार पंद्रह में ही नहीं बहुत बार क्वेश्चन मतलब आ चुका है ठीक है बहुत बार यह क्वेश्चन हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट और एनसीआर टी में भी क्वेश्चन की फैन है तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन चलिए भाई इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखा है डायमीटर आपको पहले दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर में दे रखा है ठीक है आगे दे रखा है यहां पर आपको टू पावर हंड्रेड ओम ठीक है हा 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 और पहले तो एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इसका लेंथ कह रहा होगा निकालने के लिए लेंथ निकाल लेते हैं उसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको बाद में पढ़ते हैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले डायमीटर दिया है तो इसका रेजिस्टेंस इसका रेडियस निकाल के एरिया निकाल दो पहले आप ठीक है तो डायमीटर रेडियस बराबर क्या होता है रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है डी तो बाई टू लिख देंगे तो आर बराबर डी डायमीटर कितना है 0.5 पॉइंट फाइव मिलीमीटर बाई टू इस पॉइंट को उड़ेगा तो कितना आ जाएगा टेन आएगा तो क्या हो जाएगा भाई इतना क्यों सोच रहा है तू इसका आधा कर दो ना जीरो आएगा ठीक है तो मैं पूरा लिख ही देता हूँ भाई नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज होंगे बाई टू है इसको काटोगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा सिंपल सी बात है सर आर इज कल टू जीरो तो पॉइंट टू फाइव यहाँ पर मिलीमीटर है लेकिन इसको मीटर में बदलना है तो टेन ट्वेंटी पावर माइनस थ्री करते हैं ये सभी को पता है ना टेन ट्वेंटी पावर माइनस थ्री मीटर में अब आ गया अब एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो एरिया बराबर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर तो अभी आप समूचा निकाल के रखे हुए हो सर एक मिनट इधर कैलकुलेटर सर क्या मिलेगा मेरे को कैलकुलेटर एक मिनट कैलकुलेटर या मिल गया एक मिनट भाई कैलकुलेट कर लेने के लिए हम निकाल लिए आप खुद से कर लेना अब यहाँ पर जो है ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे ये देखिए ये पूरा आई है जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर का स्क्वायर आ गया ठीक है इसको काटेंगे तो थ्री पॉइंट वन फोर आता है सभी लोग को पता होगा ये तो आएगा थ्री पॉइंट वन फोर इंटू जीरो मीटर का स्क्वायर चलिए भाई हाँ, हो गया अब इसको और गुना कीजिए तो जीरो पॉइंट जीरो क्या आता है वन नाइन सिक्स इसी तरह से वैल्यू आती है मैं एक बार देख लू जरा कैलकुलेट करके पॉइंट वन फोर और इंटू में जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव जी हाँ एरिया बराबर आ गया जीरो uh, हूं ना और, मैं सही न, हाँ 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 ठीक है इंटू टेन टू डी पावर माइनस सिक्स मीटर का स्क्वायर एरिया यहाँ पे आ गया अब एरिया आ गया भाई तो आप निकाल सकते हो आराम से मेरे को लेंथ निकालना है तो ठीक है आर बराबर क्या होता है रो एलवाई एरिया होता है ठीक है तो एरिया आप रो बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू एरिया बाय लेंथ ऊपर ये देखो भाई ये ऊपर और ये नीचे सिंपल अब हमको लेंथ निकालना है तो लेंथ रो के जगह पे आएगा आर इंटू ए बाय रो है ना अब पूरा फॉर्मूला में बना दिया आर कितना दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है अरे भैया आर 100 ओम ठीक है हंड्रेड ओम दिया ना एक बार मैं देख लू जरा एक बार एक बार

डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी थी रो की वैल्यू कितनी थी 1.6 टू दी पावर माइनस एट ओम मीटर था देखिए भाई मीटर से मीटर उड़ा दीजिए <coughs> एक काम करते हैं हम टेन दी पावर माइनस एट ऊपर में हो जाएगा हाँ सर हो जाएगा आप क्या करो हाँ, एक और काम कर सकते हो आप इस पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो वन टू थ्री फोर फाइव या डायरेक्ट इसको टेन टू दी पावर प्लस फाइव लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टेन टू डी पावर प्लस फाइव लिख लेता हूं मैं ठीक है सर लिख लिए हैं बहुत अच्छा किए अब ये हंड्रेड को इससे गुना कर दो क्या होगा वैल्यू एक बार भाई एक बार एक बार वन नाइन सिक्स टू फाइव इन टू हंड्रेड है ना कितना आ रहा है वैल्यू इतना आ रहा है वैल्यू वन नाइन सिक्स टू फाइव डबल जीरो आ रहा है ठीक है चलो अब क्या करता हूं मैं टेन टू डी पावर माइनस एट है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो मैं टेन टू डि माइनस सिक्स और प्लस एट कर देता हूं मैं, ठीक है तो वैल्यू आ वैल्यूर प्लस टू देख लो प्लस टू आ जाएगी तो मैं देख लेते हैं देख लेते हैं डिवाइडेड बाय 1.6 ठीक है इन टू टेन टू डी पावर 5 एक काम और भी किया जा सकता है 10 टू डी पावर 5 है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो मैं कर लेता हूं वो ए, एक पॉइंट को यहाँ उड़ा के एक और टेन लगा दो टू पावर थ्री हो गया ठीक है तो वन नाइन सिक्स टू फाइव डबल जीरो होगा ना एंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स और टेन टू डी पावर फाइव है ना ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस फाइव ठीक है अब वैल्यू कितनी आई बताओ एल बराबर वन नाइन अच्छा ना वन नाइन सिक्स टू फाइव डबल जीरो अब बताओ टेन टू पावर टेन टू पावर प्लस थ्री और माइनस फाइव कितना पावर माइनस टू एंड डिवाइडेड अब सोलह से इसको गुना कर दो सॉरी uh, डिवाइड दे दो एक मिनट डिवाइड दे दो सोलह से कितना आ रहा है वन टू टू सिक्स फाइव सिक्स ठीक है ये काटने पर कितना आ रहा है वन टू टू पॉइंट सिक्स फाइव इतना ही आ रहा है नहीं 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 वन टू टू सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव इतना आ रहा है तो मैं लिखूंगा एल बराबर वन टू टू सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू में टेन टू डी फाइव माइनस टू यही लिखूंगा ना टेन टू डी फाइव माइनस टू है ठीक है माइनस टू है तो मैं क्या कर सकता हूं इसको आ, हटाने के लिए मैं क्या करूंगा एक काम कर सकता हूं छोटा सा इधर ले जाऊंगा एक डिजिट तो एक हट जाएगा एक और डिजिट ले जाऊंगा यह भी हट जाएगा यानी दो डिजिट अगर मैं घसकाऊंगा तो यह खत्म हो जाएगा ठीक है यह खत्म हो गया यानी अब वैल्यू क्या आई लेंथ की लेंथ बराबर कितना आया एक दो फाइव है ना वन टू टू सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इतना मीटर आ गया यानी सौ छब्बीस पॉइंट मीटर में वैल्यू आ रही है लेंथ हमारी चलिए इतना आंसर होना चाहिए आप मिला के देख लेना 100 परसेंट एंसर रहेगा और फिर मैं इसका पासवर्ड भूल जाऊंगा मुझे पता है टू फोर फाइव सेवन ठीक है बहुत ही बढ़िया भूल जाता हूँ मैं बार बार ठीक है इतना वैल्यू आ गया लेंथ ठीक है भाई लेंथ इतना आना चाहिए लगभग बारह सौ के लपेट में आना चाहिए तो सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए लगभग बारह सौ आना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कह रहा है ये पढ़िए हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा जब डायमीटर डबल्ड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस तो कितना था वायर का हंड्रेड ओम था ओम था ना अब डायमीटर 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 को को क्या क्या कर दिया गया है डायमीटर, उस वायर के किया हाँ डायमी को डबल डायमीटर को डायमीटर कर दिया है तो क्या होगा तो भाई एक फॉर्मूला जानते हो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बता है तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू डायमीटर को डबल किया है ना तो टू का स्क्वायर कर दो रेजिस्टेंस क्या होगा आ, 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 वो बता देना आप रेजिस्टेंस क्या होगा एक मिनट देख लेता हूं भाई रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा वन तू, तू जा फोर, वन होना चाहिए रेजिस्टेंस और पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है बताओ भाई पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है पहले तो हंड्रेड ओम है हंड्रेड ओम है इक्वल टू वन बाई फोर तो काट दो ना अब कितना हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस पहले वाला वन फोर्थ हो जाएगा तो पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है पहले वाला रेजिस्टेंस है भैया यानी अब जो फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है आरडेस आ रहा है वो कितना होगा जो भी रेजिस्टेंस रियल वाला था हंड्रेड से उसका वन फोर्थ कर दो वन बाई फोर्थ कितना जाएगा भाई पच्चीस है ना तो आर यानी नया रेजिस्टेंस कितना आया पच्चीस आ गया ओ भाई देख लो पच्चीस ओम नया रेजिस्टेंस आ गया सर यही आंसर होना चाहिए आई होप सो मुझे पता नहीं है यही होना चाहिए पच्चीस ओम ठीक है तो इस तरह का भी क्वेश्चन फंस जाता है लो भाई अब क्या करोगे ठीक है ना तो इसको नोट कर लो भाई नोट कर लो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है नोट करिए नोट करिए चलिए नोट करिए नोट करिए अब एक तरह का क्वेश्चन और है जो लाइट चैप्टर से आ रहा है लाइट चैप्टर ठीक है चलिए लेंस से फंसेगा लेंस से लेंस से लेंस से इसको मैं मिटाना चाहूंगा एक बार जरा चलिए इसको फुचुक 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 फुचक फुचक फुचुक, हा 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 अरे भाई इसको मैं मिटा रहा हूं चलिए घच 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 मिट रहा है चलिए गया गया रे गया, गया। चलिए मिट गया अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है वो देख लेता हूं मिजरा

कॉन्वेक्स ऑफ़ फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको सिक्सटीन सेंटीमीटर मैं डायरेक्ट पूरा वैल्यू लिख देता हूँ यानी आपको u जो है u यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो u ही कहलाती है आपको पता होना चाहिए यू जो है आपको सिक्सटीन सेंटीमीटर दिया है और यू यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो हमेशा माइनस में होता है ये बात याद रखिए साइन कॉन्वेंसन पता होना चाहिए एक वीडियो होगा मेरा साइन कॉन्वेंसन का वो जाके देख लीजिए ठीक है आप लिखेगा साइन बाय विजेता सर आ जाएगा वीडियो ठीक है माइनस में और इसका फोकल लेंथ प्लस में होगा एफ जो है आपको दे रखिए ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ये प्लस में ही होगा बहुत ही बढ़िया चलिए ये एफ हो गया तो उसके बाद आप भी निकाल सकते हैं आराम से यानी जो इमेज बना है ना उसका डिस्टेंस आप बता सकते हैं कैसे तो चलो भाई

यानी भी बराबर क्या हो गया 48 वो भी माइनस में इतना सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस पता चल गया माइनस में आ रहा है यानी इमेज भी इसी तरह बनना बनना चाहिए चाहिए इमेज भी इसी तरह क्योंकि माइनस में आ रहा है यानी इमेज इधर ही बनेगा ऑब्जेक्ट जिधर रखा है उधर ही इमेज बनेगा तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनेगा तो कैसा होगा छोटा होगा इमेज कैसा होगा इमेज छोटा होगा और क्या होगा वर्चुअल होगा वर्चुअल ठीक है अब इसमें और भी कह रहा है कि चार सेंटीमीटर लंबा हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका ना आपको बताना है कि साइज जो इमेज बनेगा ना उसका साइज भी बताना है चलो भाई साइज भी बता देते हैं इसके लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है और इजकल टू क्या होता है आ, क्या होता है भाई आ, भी वाई यू होता है ना वी वाई यू चलो निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन बराबर भी वाई यू से निकाल लेते हैं तो एम बराबर भी कितना है भैया फोर्टी एट माइनस में वो भी और यू कितना है भैया माइनस में सिक्सटीन ये कटेगा तो तीन मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा चलो मैग्नीफिकेशन अगर तीन आ गया तो अब दूसरा फार्मूला है एम इज कल टू एच आई बाई एच ओ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहां से मैग्नीफिकेशन हमको तीन दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है इमेज का हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन था ना कितना था भाई फोर सेंटीमीटर तो फोर सेंटीमीटर ये दिया था नहीं 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 ये तो दिया ही नहीं है यही तो निकालना है मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चार सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा फोर इंटू थ्री दैट इज हाइट ऑफ इमेज मेरा हाँ ट्वेल्व सेंटीमीटर बस इतना ही करना था और इस तरह का क्वेश्चन हर बार रिपीट कर दे रहा है वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन टाइप क्वेश्चन का यही रहने वाला है तो यही सारे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह का भी क्वेश्चन तीन चार प्रैक्टिस कर लेते हो तो हर एक तरह का अनुमेरिकल्स आप कर पाओगे जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तो भाई आई होप आपने पूरा नोट कर लिया होगा चलिए मैं एक बार साइड भी बोल लेता हूं चलिए तो भाई साहब अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के साथ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये पढ़कर उनका भी फिजिक्स अच्छा हो जाए वो भी न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद